आपको दिखाएंगे रफ्तार के साथ खबरें। एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बनाया राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार। संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद जेपी नड्डा ने किया ऐलान, 25 जून को दाखिल कर सकते हैं नॉमिनेशन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, लिखा द्रौपदी मुर्मू की समझ और दयालु स्वभाव से हमारे देश को बहुत फायदा होगा। अपने नाम का ऐलान होने के बाद द्रौपदी मुर्मू की पहली प्रतिक्रिया, कहा हैरान हूं लेकिन खुश भी हो रही है। द्रौपदी मुर्मू ने बीजू जनता दल के मांगा समर्थन, ओडिशा की बेटी की करें मदद। राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की बड़ी सुरक्षा, द्रौपदी मुर्मू को जेड प्लस सुरक्षा। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू 25 जून को करेंगी नामांकन। द्रौपदी मुर्मू झारखंड की रह चुकी हैं राज्यपाल, साल 2015 से 2021 तक झारखंड की राज्यपाल थी। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर बधाई दी। विपक्ष के सभी दलों से द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की अपील। यशवंत सिन्हा होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, शरद पवार के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक में लिया गया फैसला। राहुल गांधी से ईडी ने पांचवें दिन तक देर रात तक की पूछताछ, 12 घंटे तक चले सवाल जवाब। दिल्ली एम्स बनेगा विश्व स्तरीय चिकित्सा विश्वविद्यालय, नरेला में 21 एकड़ क्षेत्र में ई वेस्ट इको पार्क बनाने को मिली मंजूरी, दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया जारी, इस साल अब तक 118 आतंकियों को सेना ने मार गिराया, इन आतंकियों में 77 लश्कर के हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर पीएम मोदी से मिले तीनों सेना प्रमुख, पीएम ने तीनों सेना प्रमुखों से की अलग अलग मुलाकात। अग्निपथ योजना को लेकर एनएसएजी डोवाल का बड़ा बयान, कहा तेजी से बदल रहे हैं हालात, भविष्य की तैयारी बेहद जरूरी। पीएम मोदी पर ओवैसी का तंज, कहा 4 साल के लिए चौकीदार बनाने के लिए है अग्निपथ स्कीम। इस साल अग्निपथ योजना के तहत होगी 46,000 भर्तियां, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया दावा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, कृषि रोडमैप के लिए करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी। मांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर थमा चुनावी शोर, 23 जून को होना है इलेक्शन, 26 जून को नतीजों की होगी घोषणा। पटना सिटी के गमकुआ थाना इलाके में अपोलो बर्न हॉस्पिटल में आग से झुलसी विवाहिता की इलाज के दौरान मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप। जमुई में बेखौफ अपराधियों का तांडव, नकाबपोश अपराधियों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर घटना को दिया अंजाम। मधेपुरा में टीचर ने नाबालिग के साथ किया रेप, झांसे में लेकर कई महीने तक किया यौन शोषण, लड़की का गर्भपात तक करवाया, आरोपी टीचर गिरफ्तार। जहानाबाद के बड़ौना में छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, भीड़ ने की पत्थरबाजी, पुलिस गाड़ी को भी किया क्षतिग्रस्त। खुटी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 हथियारबंद पीएलएफआई नक्सलियों को रंगे हाथ किया गिरफ्तार, कई मामलों में था वांछित। दरभंगा में तालाब में डूबने से बच्चों की मौत, भाई को बचाने के दौरान डूबी बहन, नहाने के दौरान हुआ हादसा। न्यूरी गांव में महादेव पोखर की घटना। बांका में सड़क हादसे में एनसीसी कैडेट की मौत, बाइक पलटने से हुआ हादसा, राजौन थाना इलाके का मामला। नवादा के कटैया गांव के पास ऑटो पलटने से युवक जख्मी, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। सिमडेगा पर एनएच 143 पर सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने किसान को कुचला, मौके पर हुई मौत, ट्रक लेकर चालक हुआ फरार। भोजपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में मॉर्निंग वॉक पर निकले 70 साल के बुजुर्ग की बाइक सवार ने ली जान। बगा में करंट लगने से किशोर की मौत, रामनगर के सोहसा पंचायत के छवघरिया गांव का मामला। नवादा के सरकंडा गांव में डूबने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। दानापुर में एम्स में नर्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। मुंगेर में आकाशीय बिजली गिरने से घर जलकर खाक, बीजेपी विधायक ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। नवादा जिले के पकरी बरावा गांव में प्रसव के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, नर्सिंग होम संचालक पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह के पचम्बा से हुई लूट का खुलासा, बंदूक दिखाकर पचम्बा में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, मौके से मोबाइल फोन और हथियार बरामद। बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया खुलासा, चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। कैमूर में असम राइफल के सूबेदार की हत्या के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 2 फरार आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। कोडरमा पुलिस ने ई रिक्शा में लगे बैटरी चुराने वाले गिरोह को 3 को धर दबोचा है, पुलिस की ने बैटरी को खरीदने वाले शख्स को भी गिरफ्तार किया।
मुजफ्फरपुर में चोरों के गिरोह के घर को बनाया निशाना, 30 लाख का सामान लेकर हुए फरार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नवादा में पुलिस और एसएसबी ने सर्च ऑपरेशन के दौरान हार्डकोर नक्सली पिंटू यादव को गिरफ्तार किया, नक्सली से पूछताछ जारी। भागलपुर में दो डकैतों का खुलासा हुआ है, पुलिस ने लूटे गए सामान के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार किया। सिवान में अपराधी बेखौफ, अपराधियों ने गैराज स्टाफ को चाकू मारकर 80,000 रुपए की लूट कर ली। भागलपुर में चेकिंग के दौरान टेम्पो से 138 बोतल शराब बरामद, पुलिस ने दो तस्कर को किया गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने 240 ग्राम अफीम को बरामद किया, दो तस्कर गिरफ्तार। धनबाद में शराब दुकान के पास मिला एक युवक का शव, शव की शिनाख्त करने में जुटी पुलिस। मधुबनी में पुलिस ने हरलाखी थाना इलाके में दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की, शराब की तस्करी करते हुए दो तस्कर को गिरफ्तार किया। मधेपुरा में पुलिस ने दो शराब तस्कर को गिरफ्तार किया, स्कॉर्पियो में रखी हुई 740 बोतल शराब को बरामद किया। सिवान में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। सारण जिला उत्पाद विभाग ने शराब की खेप को पकड़ा, यूपी से मैरवा के रास्ते पटना लाई जा रही थी शराब, गुप्त सूचना पर कार्रवाई। झारखंड में मैट्रिक और इंटर के नतीजे घोषित, मैट्रिक में 92.19% विद्यार्थी पास, इंटर में 95.60% छात्र हुए पास। जेसी बोर्ड ने घोषित किया रिजल्ट, खुशी कुमारी ने 97.6% अंक लाकर झारखंड में बनी थर्ड टॉपर, परिवार में खुशी का माहौल। खूंटी के आदर्श मध्य विद्यालय का हाल बेहाल, स्कूल में न पानी है, न समुचित व्यवस्था और न ही बेहतर शौचालय। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक की ओर से बढ़ते अपराध को लेकर गोष्ठी का आयोजन, जिले के सभी थाना इलाकों में प्रभारी और अधिकारी रहे मौजूद। शिवसेना में अब तक की सबसे बड़ी बगावत के बाद महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, उद्धव सरकार पर मंडराया संकट। महाराष्ट्र में सियासी बवाल के बीच उद्धव ने बुलाई कैबिनेट की बैठक, मौजूदा सियासी हालात पर होगी चर्चा, दोपहर 1 बजे मंत्रालय में होगी बैठक। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के 33 विधायकों के साथ हुए बागी, सभी विधायकों को चार्टर्ड विमान से देर रात सूरत से गुवाहाटी शिफ्ट किया गया। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के समर्थन का किया दावा, एकनाथ शिंदे के साथ 34 विधायक नजर आए। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव में हार के साथ ही शिवसेना में बगावत, एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की मांग की। एकनाथ शिंदे ने साफ कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ सरकार बनाए, एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के साथ छोड़े, तभी वापसी संभव है। विधायक दल के नेता पद से हटाने के बाद बोले एकनाथ शिंदे, मैंने पार्टी विरोधी कोई कदम नहीं उठाया तो मुझे ग्रुप लीडर के पद से क्यों हटाया गया। एकनाथ शिंदे ने कहा, मेरा शिवसेना पार्टी छोड़ने का कोई विचार नहीं, मैं हमेशा बाला साहेब ठाकरे का सच्चा शिवसैनिक था और रहूंगा। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर बोले एकनाथ शिंदे, हमने बाला साहेब की शिवसेना को ना कभी छोड़ा है ना छोड़ेंगे। बागी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम बाला साहेब के हिंदुत्व का अनुसरण कर रहे हैं और इसे आगे भी ले जाएंगे। गुजरात के सूरत एयरपोर्ट पर बागी विधायकों ने कहा, हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं और शिंदे जो भी फैसला लेंगे वो हमारा फैसला होगा। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के सामने सरकार बचाने का संकट, विधानसभा में बहुमत के लिए 144 चाहिए विधायक। सूरत के होटल में मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच 2 घंटे तक मुलाकात, शिंदे और मिलिंद की नहीं बनी बात। बातचीत में शिंदे ने उद्धव से कहा, सीएम बनने की इच्छा नहीं, बीजेपी ने गठबंधन होगी तो पार्टी नहीं टूटेगी, शिवसेना छोड़ने की मंशा नहीं। महाराष्ट्र में सियासी बवंडर के बीच पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर अहम बैठक, बीजेपी विधायकों की बैठक में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा। विधायकों के बागी होने के से दबाव में एनसीपी, आज एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने विधायकों के साथ करेंगे बैठक, सभी विधायकों को मुंबई में रहने को कहा गया। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल के बीच शरद पवार का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश का रचा आरोप। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा, कहा महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार जाएगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। संजय राउत का दावा, एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी का साथ छोड़ने का शिंदे भी गवाह रहे हैं। आज लखनऊ जिले के टॉप 10 मेधावी छात्रों से मिलेंगे सीएम योगी, सीएम आवास पर होगी मुलाकात। रामपुर जाएंगे केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, 23 जून को रामपुर के दनियापुर में उपचुनाव के लिए करेंगे वोटिंग। रामपुर में आजम खान ने दिया बड़ा बयान, बोले टाइगर इज बैक, सरकार रहे या ना रहे उनकी सरकार रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले हम विपक्ष के साथ आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत का किया दावा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, सीएम ने मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल से की मुलाकात। 25 जुलाई से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, 5 दिवसीय यह सत्र 29 जुलाई तक चलेगा।
मानसून सत्र छोटा होने पर विपक्ष को ऐतराज। कांग्रेस ने कहा मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है सरकार। सत्र की अवधि न बढ़ाने पर प्रदर्शन की चेतावनी। 1 जुलाई को बर्मिंघम इंग्लैंड से मात्र टेस्ट मैच खेलेगी टीम इंडिया। इंग्लैंड पहुंचकर टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों को मोटिवेट करते नजर आए विराट कोहली। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन हुए कोरोना पॉजिटिव। स्वस्थ होने के बाद भी इंग्लैंड हो सकते हैं रवाना। महिला हॉकी विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान। गोलकीपर सविता पूनिया संभालेंगी टीम की कमान। रानी रामपाल टीम से बाहर। अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म रक्षाबंधन का ट्रेलर रिलीज। फिल्म में 4 बहनों की जिम्मेदारी उठाते नजर आएंगे अक्षय। सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार ने शेयर किया वीडियो। करण जौहर चैट शो कॉफी विद करण के सेट पर नजर आए शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी। शाहिद कपूर ने फैंस को दिया फिल्म कबीर सिंह पार्ट 2 का हिंट। 18 नवंबर को सिनेमाघर में रिलीज होगी फिल्म दृश्यम 2। हैदराबाद में चल रही है फिल्म की शूटिंग। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू के अलावा श्रेया सरन, अक्षय खन्ना, रजत कपूर और इशिता दत्ता मुख्य किरदार में आएंगे नजर। स्पिन में श्रद्धा कपूर संग फिल्म की शूटिंग में जुटे रणवीर कपूर। फिल्म के सेट से शूटिंग का वीडियो आया सामने। वीडियो में श्रद्धा कपूर संग डांस करते नजर आए रणवीर कपूर। रणवीर और श्रद्धा की अपकमिंग फिल्म मार्च 2023 में होगी रिलीज। अगस्त के पहले सप्ताह में शुरू हो सकती है फिल्म पुष्पा 2 की शूटिंग। 400 करोड़ रुपए की बजट में बनेगी फिल्म। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना मुख्य किरदार में आएंगे नजर। ब्रिटेन में पिछले 30 साल में सबसे बड़ी रेल हड़ताल। वेतन और नौकरियों के विवाद को लेकर हड़ताल पर हैं हजारों रेलवे कर्मचारी। चीन के दक्षिण पूर्वी इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बांग्लादेश में बाढ़ और के बीच राहत और बचाव काम जारी। बाढ़ से अब तक 32 लोगों की मौत। अमेरिका के न्यूजर्सी में जंगलों में लगी आग। अब तक 7,000 एकड़ में जंगल हुआ राख। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी। खार्किव में रूसी सेना के हवाई हमले जारी। हमले में कई घर तबाह है। 5 लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन का दावा रूसी सैनिकों को पहुंचाया भारी नुकसान। रूस की 34,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। खार्किव में रूसी हमले के बीच यूक्रेनी सेना दे रही कड़ी टक्कर। यूक्रेनी फौज ने रूसी सैन्य ठिकानों पर किया ताबड़तोड़ हमला। रूसी टैंकों और हथियारों पर घात लगाकर हमला कर रही यूक्रेनी सेना। यूक्रेन की फौज के हमले में रूसी टैंक हुए नष्ट। यूक्रेन के सेवरोदोनेत्स्क में रूस की सेना ने तेज किए हमले। शहर में लगातार हो रही है भीषण गोलीबारी। रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच भीषण जंग जारी। रिहायशी इलाकों में अत्याधुनिक हथियारों और टैंकों के साथ नजर आ रही सेनाएं। रूसी सेना की बख्तरबंद गाड़ियों पर यूक्रेनी फौज ने किया हमला। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। यूक्रेनी सेना पर लगातार कहर बरसा रही है रूसी फौज। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से किया हमला। बरसाए गोला बारूद।